हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीआरडी ग्रैंड ऑटो। सामने आप देख रहे हैं हुंडई की क्रेटा, जो अब 2023 फेसलिफ्ट नया आ चुका है मार्केट के अंदर। बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स की, आपको एलईडी मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट मिल जाती है विद डीआरएल के साथ। कंपनी ने काफ़ी यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया है, काफ़ी अच्छी लगती है फ्रंट से भी। 3 एलिमेंट्स में इसकी लाइट देखने को मिलेगी आपको, साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छी दिखती है। 17 इंच अलॉय व्हील मिलेगा इसमें देखने को। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क देखने को मिलती है, क्लाइडिंग भी काफ़ी कम है। ओवर लेंथ की बात करते हैं, आपको 43 से 15 mm की लेंथ मिलती है। बैक प्रोफाइल से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सेम एसी के ऐसा आपको देखने को मिलता है। एलईडी टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ठीक बनाया कंपनी इसको। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलता है, साइड से भी आपको ऐसी दिखाई देगी जो पहले थी, बस फ्रंट और बैक को थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। कीलेस एंट्री देखने को मिलती है आपको। बात करते हैं इसके अंदर, ये इसका डुअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, जो ब्राउन लेदर के साथ देखने को मिलता है। पावर एडजस्टेबल सीट फोल्डिंग साइड मिरर, चारों पावर विंडो मिलती है आपको, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। सिक्स वे मैनुअल सीट एडजस्टेबल मिलती है आपको, ब्राउन ब्लैक लेदर सीट के साथ। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में आती है। इलेक्ट्रो स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, पावर स्टॉप बटन मिलती है। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इसका, पहले जैसा ही है, कुछ ज़्यादा मेजर भी चेंज नहीं है। और इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, स्टीयरिंग व्हील पहले जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ठीक है, अंदर से इसका इंटीरियर लग्जरी फील कराता है आपको। आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलता है, कुछ स्टोरेज मिलेगी आपको इसके अंदर देखने के लिए। टू कप ग्लास होल्डर, इलेक्ट्रो पार्किंग ब्रेक मिलती है विथ ओल्डो फंक्शन, इलेक्ट्रो ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर साइड फोर आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, इकोस कंफर्ट स्पोर्ट स्मार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जो आपको स्नो सैंड मड सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद मैनुअल मोड के साथ। पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। वायरलेस चार्जर मिलता है आपको, 2 USB पोर्ट विद 12 वोल्ट का आउटपुट चार्जर मिलता है। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डुअल जोन का सिस्टम नहीं है। 8 टच स्क्रीन विद एप्पल ऑटो एंड्रॉयड कार प्ले, 6 स्पीकर साउंड के साथ आती है। मैनुअली डिमिंग आपको रियर व्यू मिरर मिलेगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है इसमें। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, पहले भी पैनोरामिक सनरूफ आती थी। को ड्राइवर साइड आपको रेडी मिरर, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको, लेन फॉलो का असिस्ट सिस्टम मिल जाएगा। 6 एयरबैग के साथ आती है ये। ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाएगी आपको, वाइपर से कंट्रोल मिलेंगे आपको। ये 10.25 फुल LED क्लस्टर मिलता है आपको। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा आपको। ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन मिलता है आपको देखने के लिए साइड मिरर मिरर में। इसको अनलॉक करते हैं।
सेकंड रो की बात करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सेकंड रो भी आपको ड्यूअल टोन में ही मिलेगा, इसकी पावर विंडो डोर पे भी आपको ड्यूअल टोन का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। लेदर स्टिचिंग के साथ आपको इसकी फैब्रिक सीट मिलेगी। सारे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। अंदर बैठ के बात करेंगे, सेकंड से फ्रंट इसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। रियर में आपको एसी मिलता है, यूएसबी पोर्ट मिलता है, फ़ोन कैरी करने के लिए कुछ स्पेसेस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेसेस मिल जाती है मैगजीन के लिए। बीच में आपको एमरेस्ट मिलता है जो टप टू ग्लास होल्डर के साथ। यहाँ पे अभी आपको लाइट मिलेगी, यहाँ पे कोट के लिए हैंगर दिया हुआ है। बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, चलते हैं पीछे की तरफ, काफ़ी अच्छा लगता है पीछे से भी इसका। इसके बूट को ओपन करते हैं, बूट वही आपको सेम ऐसा मिलता है जो पहले था, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है इसके अंदर, बट फिटमेंट काफ़ी अच्छी की हुई है बूट में भी। इसका स्पेयर व्हील 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा स्पेस बन जाता है पीछे सीटों को फोल्ड करने के बाद। इसको बंद करते हैं। साइड से भी काफ़ी अच्छी लगती है, मार्केट में बहुत क्रेज है क्रेटा का। माइलेज भी काफ़ी अच्छी है इसकी। को ड्राइवर साइड डोर यहाँ से भी काफ़ी अच्छी दिखती है। हुंडई अपने प्रोडक्ट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती है। 6 मैनुअल एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। को ड्राइवर साइड भी आपको एक लग्जरी फील कराता है इसका इंटीरियर, ये काफ़ी अच्छी बात है हुंडई की। इसका कूल ग्लाब बॉक्स मिलता है। नीचे आपको तरफ एम्बियंट लाइट मिलेगी। को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड भी मिलता है, ही सीट एडजस्टेबल का ऑप्शन भी मिलेगा इसमें। इसको ओपन करते हैं, बाहर की तरफ चलेंगे। इसके हुड को ओपन करके देखते हैं इसका इंजन। इसका इंजन 1.5 लीटर लाइन फोर वे इंजन, वही पहले जैसे आपको मिलता है, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है इसके इंजन में।